हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल किचन क्वीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कच्चा आम की चटनी की रेसिपी। फ्रेंड्स, अभी समर सीजन है और कच्चा आम का चटनी सबको पसंद है, तो आज हम दो तरह के कच्चा आम का चटनी बनाएंगे। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीठा चटनी बनाएंगे। मीठा चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर पैन को गर्म करने के लिए रखे हैं। अब हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है। अब हम 1 लाल मिर्च डालेंगे। हमने बीच से इसको तोड़ दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच 5 फोड़न। अगर आपके पास 5 फोड़न ना हो तो आप मस्टर्ड सीड भी डाल सकते हैं। ब्लैक मस्टर्ड सीड या काला सरसों जो होता है वो आप डाल सकते हैं। 15 से 16 सेकेंड्स के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। अब हम 1 कटोरी स्लाइस किया हुआ कच्चा आम डालेंगे। आम को हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। और 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। अभी हम लो फ्लेम में 5 मिनट तक इसे कवर करके कुक करेंगे। पांच मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं आम बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे करीब 1/2 कटोरी गुड़। हम यहाँ गुड़ और चीनी दोनों यूज करने वाले हैं, इसलिए गुड़ 1/2 कटोरी डाले हैं। आप अगर चाहें तो चीनी या गुड़ में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, तब आपको क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी चीनी। फ्रेंड्स, हमें चटनी जो है वो थोड़ा सा मीठा पसंद है, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा चीनी या गुड़ यूज कर रहे हैं। अगर आपको चटनी में खट्टा मीठा टेस्ट पसंद है तो आप चीनी या गुड़ का क्वांटिटी जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम फिर से कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। 10 से 12 काजू डालेंगे और चटनी को चलाते रहेंगे। अब हम इसमें कुछ चेरीज डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें किशमिश या खजूर कुछ भी डाल सकते हैं। चटनी को हम चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं चटनी काफी गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चटनी को एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आम का मीठा चटनी बनकर तैयार है। अब हम नेक्स्ट रेसिपी यानी आम का खट्टा चटनी बनाएंगे। सबसे पहले मिक्सर जार में हम 1 कटोरी स्लाइस किया हुआ आम डालेंगे। अब हम डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। अब हम कुछ पुदीना का पत्ता डालेंगे और डालेंगे करीब 1 कटोरी धनिया पत्ता यानी कोरिएंडर लीव्स। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी चीनी डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आम का ग्रीन चटनी बनकर तैयार है। ये दोनों चटनी बहुत ही टेस्टी होता है और आप लोग घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके फीडबैक भी दीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रेसिपी में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।